तो आम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अब चुन लिए गए हैं एनडीए संसदीय दल के नेता, और इस वक्त आप देख रहे हैं सहयोगी दल टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू उनका स्वागत सत्कार और शॉल देकर और एक बालाजी का मोमेंटम देकर उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक एक कर उनका सम्मान किया जा रहा है, फूल दिए जा रहे हैं और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत। सहयोगी दल टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये सब एनडीए के सहयोगी दल हैं। और खास तौर पर आज अगर प्रधानमंत्री के भाषण की बात की जाए, उन्होंने पूरे 5 साल के का जो विकास का एजेंडा है उनका और किस तरह से जो एनडीए है उसे लेकर चलेगी उसका एक पूरा खाका खींचा है, और उन्होंने कहा कि हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। जितने सहयोगी दल हैं अब एक एक कर सम्मान और सत्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी चुन लिए गए हैं एनडीए संसदीय दल के नेता। सभी सहयोगी दलों ने एक मत से सहमति जताई है। राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा था और अब सभी ने सहमति जताई है। एक एक कर फूल देकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जितने नए सांसद हैं, पुराने सांसद हैं, कुछ तो बहुत कई टर्म से सांसद रहे हैं, कुछ एकदम नए सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। एनडीए गठबंधन दलों के साथ इस पूरे 5 साल काम करेगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया क्योंकि उनका भरोसा एनडीए ही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के पीठ पर उन्होंने थपकी दी है, और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा है, लेकिन ये बीजेपी है, एनडीए है, सबको साथ चलने की बात लेकर करती है। मंथन जरूर होगा कि आखिर कहां कमी रह गई, लेकिन 5 साल के विकास का खाका यहां से प्रधानमंत्री ने खींचा है। उन्होंने कहा है सब मिलकर काम करेंगे, हमने हमेशा से भारत माता को सर्वोच्च रखा है, देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें देश को वहां लेकर जाना है जहां पर कोई भी व्यक्ति ये कहे, खासतौर पर विदेशों में, कि देखिए ये भारतीय है और भारतीयों से मिलना चाहेगा। तो इस तरह की संकल्पना के साथ उन्होंने आज अपनी बात रखी है, सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की बात रखी है। और बाकी अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री और एनडीए पर अपना भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमें विश्वास है कि वो सभी दलों को आगे लेकर चलेंगे। एक एक कर जितने सांसद हैं सब उनसे मिल रहे हैं, सब उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको बूके दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, और ये बड़ी कह सकते हैं ऐतिहासिक मोमेंट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और आज जो एनडीए संसदीय दल में उनको नेता चुन लिया गया सर्वसम्मति के साथ, तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी बता दिया कि किस तरह से जनता का भरोसा एनडीए पर है, और इसलिए बार बार उन्होंने कहा कि वो एनडीए को चुनकर लेकर आते हैं, और हमारी भी जिम्मेदारी जनता के प्रति बढ़ जाती है। महिलाओं की बात की, विकास की बात की, और आगे आने वाले दिनों में किस तरह के कामकाज इस सरकार की तरफ से होंगे उसका भी एक पूरा खाका तैयार किया गया, खींचा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई मनमानी नहीं की जाएगी। ये जो बाहर ब्रेकिंग न्यूज की तरह बहुत सारी बातें आ रही हैं उस पर भी भरोसा ना कीजिए। जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो समय समय पर सामने भी आती रहेंगी। और उन्होंने कहा कि खास तौर पर महिलाओं की उन्होंने बात की, सबका साथ सबका विकास की बात हमेशा से करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरोसा अगर जनता ने जताया है तो हम भी उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। तो आज एनडीए संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। सभी जितने सहयोगी पार्टी थे उन्होंने भी अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि हम साथ लेकर काम करेंगे, साथ लेकर चलेंगे, पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी, और देश के हित में जो फैसला होगा उस पे हमारा सहयोग होगा। तो एक एक कर जितने नए पुराने सांसद बने हैं वो सभी सांसद इस वक्त प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उन्हें फूल दे रहे हैं, और एक तरह से कह लीजिए कि ये एक तस्वीर सामने आई जब अब सब साथ मिलकर काम करने की बात हो रही है, देश को आगे ले जाने की बात की है। विपक्ष पर भी उन्होंने हमला बोला, उन्होंने कहा कि जीत को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका मोराल बूस्ट करने की कोशिश है। हालांकि जीत हमारी हुई है, हम एक बड़े दल के नेता के हम बड़े दल के रूप में उभर कर आए हैं, जनता ने हम पर विश्वास किया है, लेकिन बाहर जो बातें हो रही हैं और खासतौर पर विपक्ष जो सारी बातें कर रहा है उसको
जनता ने स्वीकार नहीं किया है, तो 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने पुष्टि कर दी है, संसदीय दल की बैठक में बोले हैं नीतीश कुमार 9 तारीख को एनडीए अपना आज प्रस्ताव पेश करेगा, राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर राष्ट्रपति उन्हें न्योता देगी। कहा यह जा रहा है कि 9 तारीख को, क्योंकि नीतीश कुमार को हमने सुना जब उन्होंने अपना भाषण दिया और जब प्रधानमंत्री के नाम को अनुमोदित करने के लिए वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि कल ही आप अपना शपथ ले लीजिए जितनी जल्दी हो सके, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नहीं, वो 9 तारीख यानी कि रविवार को शपथ ग्रहण लेंगे, चलिए इसके लिए भी तैयार है। तो सीएम नीतीश कुमार ने तारीख की एक तरह से पुष्टि कर दी है। बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, हमने देखा कि जब नीतीश कुमार खड़े हुए, उन्होंने कहा हमने तो कहा था कि आप कल ही अपने पद की शपथ ले लीजिए, लेकिन 9 तारीख का दिन चुना गया है, यानी स्पष्ट हो गया कि 9 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तीसरी बार। आज ही नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो है वो 9 तारीख को ही शपथ लेंगे। और इस वक्त मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा नीलू, यहाँ पर हम संसद भवन परिसर के सामने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंड बाजा जो है वो बज रहे हैं और जो समर्थक है वो काफी उत्साहित है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शपथ लिया जाएगा उसको लेकर के समर्थक जो है वो काफी उत्साहित है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखें कि वे यहाँ पर एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया और उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर ढोल और नगाड़े जो है वो बजाया जा रहे, समर्थकों में उत्साह है। और जिस तरह से हमने देखा कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी वहां पर न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि एनडीए के अन्य घटक दल, चाहे चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करें या फिर जीतन राम मांझी के बारे में बात करें या फिर एकनाथ शिंदे के बारे में बात करें जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम का अनुमोदन किया और उसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुन लिया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हालांकि ये जो क्षेत्र है वो रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, यहाँ पर कम लोग हैं जो वो आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता है, कुछ लोग हैं उनमें काफी उत्साह है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ढोल और नगाड़े जो है वो लगातार बजा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा होने के बाद से, लोगों में काफी उत्साह है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और यहाँ पर ठीक पीछे मैं आप मेरे कैमरा पर्सन सोनू मंडल को कहूँगा वो दिखाइए, ठीक पीछे संसद भवन परिसर है और संसद के इसी गेट से जो सांसद है वो अंदर जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री के नाम का अनुमोदन हो गया, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, लगातार ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि जो सत्तारूढ़ दल है वो हार गई है, लेकिन जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न वो हारे थे न हारेंगे, तो साफ तौर पर यहाँ पर जो पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो करने की उन्होंने कोशिश की थी। बिल्कुल, और विनीत, उत्साह हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और अब एनडीए के संसदीय दल में उनको नेता चुन लिया गया है, यानी मुहर लग गई है। 9 तारीख की बात भी सामने आ गई है कि प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं, इसलिए गाजे बाजे के साथ इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात और भाषण को आज सुने हम विनीत, तो उन्होंने पूरे 5 साल का एक खाका खींच कर रख दिया कि वो क्या करने वाले हैं, क्या आगे का उनका विजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि उनका विजन जो है वो क्या होगा, साफ तौर पर वो विकास की जो बयार वो बहा रहे थे, तो जब हमने उनकी बात में सुनी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पिछले 10 साल से जो है वो विकास के काम किए जा रहे हैं और आगे आने वाले 20 सालों में जो 5 साल का उनका जो कार्यकाल है, अगला जो कार्यकाल है मोदी जी का जो कार्यकाल है उसमें विकास की जो बयार है वो बहेगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद, उस वक्त भी उनका साफ तौर पर कहना था कि वो विकास के जो काम पिछले 10 साल से लगातार चल रहे थे वो आगे बढ़ाते रहेंगे, करप्शन के प्रति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहिम चला रखी है उसे भी वो आगे बढ़ाएंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो विजन है वो साफ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास
उम्मीद आ कि एनडीए की जो सरकार है या एनडीए जो गठबंधन है वो 30 साल से है, तो काफी मजबूत गठबंधन जो है वो एनडीए का गठबंधन है और वो चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें बाहर की भी है, बाहर जश्न मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के एनडीए के संसदीय दल के नेता चुनने के बाद, और अंदर भी अब किस तरह से एक एक जो सांसद है वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनको फूल दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, पीएम ने हाथ पकड़कर नीतीश को सीट पर बिठाया, वो तस्वीरें भी जरा हम आपको दिखाते हैं। चलिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं सेंट्रल हॉल की तस्वीर है, प्रधानमंत्री को नेता चुन लिया गया है एनडीए संसदीय दल का। इसके बाद बधाइयों का दौर शुरू हो गया है, जो वहां पर सांसद पहुंचे हैं नए पुराने सभी फूल देकर उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जरा वो तस्वीर भी देख लेते हैं जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छुए, लेकिन विपक्ष ईवीएम को गाली देता था, इस बात का जिक्र भी आज प्रधानमंत्री ने किया है। विपक्ष के मुंह पर ताला लगाया, 4 जून से ईवीएम ठीक हो गया, फिर 2029 में ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन इन 5 सालों में कुछ भी नहीं होगा ईवीएम को लेकर, विपक्ष किसी तरह की बात नहीं करेगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है, भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना है, बहुत कम है। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता, ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मैं स्थिति पैदा करना। और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विनीत, आज ईवीएम को लेकर अभी तक जो सोशल मीडिया पर देखा सुना जा रहा था भाजपा की तरफ से, वो प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल हॉल में कहा और कहा कि आंकड़े तो सब ठीक हैं, लेकिन चलिए इस बात का संतोष है कि ईवीएम सही है, यही भावार्थ उनके कहने का। आस्था में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बात आई, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां जो वो ईवीएम पर अपने हार का दोष जो है वो लगातार ईवीएम को पर मढ़ देते थे, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई है चुनाव परिणाम के बाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस हो या फिर विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार लोकतंत्र को खतरे में होने की बात करती रही थी, संवैधानिक संस्थानों के खतरे में बात होने की बात कर देती थी।
संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह का कुठाराघात जो है विपक्षी पार्टियों के साथ या विपक्षी पार्टियां जो है वो कर रही थी, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो, चुनाव आयोग के माध्यम से हो, उस पर रोक लग गया है, रोक लग गया है। इसका मतलब वो ये लगातार ये कहते रहे कि कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बात जो है वो विपक्षी पार्टियां करती रही हैं, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से ईवीएम पर आरोप लगाने की बात हो, ईवीएम में लीक होने की बात हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा दिया था कि ईवीएम में कोई टैम्परिंग नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसकी पैट से जिस तरह से मिलान हुआ था, लेकिन उसके बाद भी विपक्षी पार्टियां जो है चुनाव में ईवीएम पर लगातार जो है वो निशाना साध रही थी। हालांकि अब चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्षी पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं, और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा साफ तौर पर, जो बीजेपी है या फिर एनडीए के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करती रही है, अपनी हार का टिकड़ा जो है वो ईवीएम पर फोड़ती रही है। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर आस्था में आपको बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मैंडेट मिला है वह एनडीए की जीत का मैंडेट मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए का जो गठबंधन है वो 30 साल पुराना गठबंधन है, अटूट गठबंधन है, एक दूसरे पर विश्वास है, और 30 साल से जो है वो एनडीए का गठबंधन जो है वो लगातार चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो एक साथ मजबूत रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि पिछले 10 साल से वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे, एनडीए की सरकार चला रहे थे, और अगले 5 साल में जो आने वाले 5 साल होंगे उसमें भी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर आस्था में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हम इस पर संसद भवन परिसर के ठीक सामने खड़े हैं, और यहाँ पर आप जो है लोग हैं, कार्यकर्ता है, उन्हें भी कार्यक्रम खुला है, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो भी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के जो नाम की घोषणा हो गई है उस पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि विपक्षी पार्टियाँ ऐसे में बिहेव कर रही हैं जैसे वो जीत गई है, जबकि एनडीए की जीत हुई थी, ना वो हारे हैं ना हारे ना कभी हारेंगे। तो साफ तौर पर एनडीए की जीत की दावा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में जहाँ पर खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जी आशा बिल्कुल बिल्कुल, और हम देख रहे हैं किस तरीके से देश भर से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं नरेंद्र मोदी, और राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा, सभी ने एकमत सहमति दी, और उसके बाद मंच से आके सभी घटक दलों के प्रमुखों ने अपनी सहमति जताई, भाषण दिया। और खबर इस बीच है कि एनडीए आज ही पेश करेगा सरकार बनाने का दावा। विनीत कुमार इस पर अपडेट हमें देंगे। विनीत, अब यहां से आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? आज ही सरकार बनाने का दावा पेश होगा, सेंट्रल हॉल में जो बैठक थी वो खत्म हो गई है, अब यहां से आगे क्या होगा? आज ही मैं निश्चित तौर पर आस्था में आपको बताना चाहूंगा कि अब एनडीए के घटक दल जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार लगभग 15 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो बच जाएगा, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेगा। जैसा कि हमने देखा कि दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी